ओके ए कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कहां तक पढ़ाया था बताओ मुझे पहले लास्ट लेक्चर नहीं आया नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता दो एक्सपर्ट में वापस से पढ़ा हुआ है ना देखो I raised to 403 यही ना अरे सॉरी थ्री का फिफ्थ वन अपॉन ए प्लस आई बी इक्वल टू थ्री माइनस टू आई ये वाला ना देखो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है थ्री मल्टीप्लाइड हो गया राइट ये आ गया थ्री ए आ गया टू ए तो ये हो गया थ्री ए ये देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है आई ये क्या हो जाएगा माइनस वन आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन तो आई स्क्वायर कितना आ गया अब थ्री ए माइनस टू भी एक साथ में 3b माइनस टू में एक साथ में ये रियल है और ये इमेजिनरी राइट ना बट यहाँ पे तो खाली रियल है इधर भी होना चाहिए ना इमेजिनरी तो देखो रियल का रियल से इमेजिनरी का इमेजिनरी से तो 3a माइनस टू बी इक्वल टू वन ये रहा मेरा इक्वेशन वन दूसरा कितना है माइनस टू ए प्लस थ्री बी इक्वल टू जीरो है ना मैंने ए को पहले लिखा बी को बाद में अब दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है कैसे साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई बाय टू इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई बाय थ्री ए सेम हो जाएगा सिक्स ए माइनस फोर बी इक्वल टू टू माइनस सिक्स ए प्लस नाइन बी इक्वल टू जीरो प्लस करेंगे तो ये कट हो जाएगा ये आएगा फाइव बी इक्वल टू टू तो बी कितना आ गया टू बाय फाइव अब इसको क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन टू टू में पुट कर दो कितना आएगा देखो थ्री टू जा सिक्स ये उधर गया तो माइनस टू ए इक्वल टू माइनस सिक्स बाय फाइव टू थ्री जा माइनस माइनस गेट कैंसिल ए आ गया थ्री बाय फाइव ए आ गया थ्री बाय फाइव बी आ गया टू बाय फाइव अरे क्या रॉन्ग है तेरा क्या आंसर क्या आया थर्टीन कैसे आएगा बाबू क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है तो आपने साइन का मिस्टेक किया रहेगा आपने क्या किया रहेगा पता है देखो ये नाइन और ये फोर ऐड हो जाएगा तो थर्टीन ही आएगा ना अरे आएगा कि नहीं लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा तूने साइन का मिस्टेक किया रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली उल्टा दिया है ना बी पहले ए बाद में यहाँ पे ए पहले बी बाद में ऐसे साइन का मिस्टेक होगा एक बार लिख लो एक बार लिख लो उसको जिसका जिसका भी रॉन्ग आया प्लीज राइट डाउन बोलो Thank you.
बोलो आप फर्स्ट लेक्चर आया बेटा? हाँ लास्ट लेक्चर भी थे आप? हाँ बोलो काम करो कैसे ये देखो एक बार थ्री से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया एक बार माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई किया हाँ देखो एक जगह मिस्टेक हो गया क्या बोलो ये माइनस है ना ये प्लस है तो जब मिस्टेक होगा तो क्या आएगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा प्लस टू ये आ जाएगा प्लस टू ये आ गया प्लस ये आ गया 13 जब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 ये आ जाएगा 6 by 13 ये आ जाएगा 3 by मतलब आपका राइट देखो ना यहाँ पे मिस्टेक हो गया था ना माइनस टू आए जब आई बी से मल्टीप्लाइड होगा तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये आई और ये आई क्या हो जाएगा मतलब करेक्ट था तू जब करेक्ट था तो क्यों पूछा मैंने बहुत भरूंगा तेरे को पीछे आंसर मैच हो गया फिर भी मतलब बातें नहीं
हो गया लिख के इसको ए लिख लिया क्या? इसको नहीं आया लिख लिया ना, रफ करो ना। ओके अब सुनो, पहले देखो भाई आज सारे स्टूडेंट है ना, तीन चार लोग नए स्टूडेंट आए, क्या है नए स्टूडेंट आए राइट ना, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिवाइज। ये वो स्टूडेंट्स, आज कितने लोग इसमें से लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे? चलो खड़े हो जाओ तो सब लोग, जितने लोग अच्छा नाला भर गया था इसलिए नहीं आया। अरे तो पानी पूरा भर गया था नीचे। समझ गया आप अच्छा बारिश की वजह से जितने लोग नहीं आए प्लीज सीट डाउन। आपका क्या रीजन है? देखो भाई पहली बात तो ये सब एक्सक्यूजेस, अगर पढ़ाई करना है तो छोड़ के देखा। अब मुंबई है, बारिश तो आएगा ही है कि नहीं? इतना यहाँ पे अभी ये इतना बहुत ज्यादा नहीं था। मैं अगर कांदिवली से आ सकता हूँ यहाँ पे तो आप भी आ सकते हो यहाँ। सर टाइम वो बारिश तो क्या है, अभी आज भी क्या बारिश होगा तो यहाँ से जाएगा नहीं घर पे। मैं भी होता हूँ, सारा मार्ग का नाला बंद हो गया, पूरा हो गया है, मार्ग भगाएंगे यहाँ से सब लोग। ये रीजन नहीं होना चाहिए आपका, ये आपका रीजन नहीं होना चाहिए कि बारिश हो रहा है इसलिए ना। ए सुनो, ये सब फालतू चीजें आप लोग प्लीज इग्नोर करो। क्या करो? हाँ है ना, ये सब चीजों के लिए अगर आप लेक्चर अब्सेंट होते रहे तो फिर तैयार हो चुका और डिफिकल्ट फिर पढ़ाई करना, इसलिए थोड़ा बहुत। और लेक्चर अगर अब्सेंट हो जाते हो ना तो वापस से रिपीट नहीं कर सकते, एक बात याद रखना। और आपको अभी पता नहीं चलेगा, अभी लगेगा अरे छोड़ना एक लेक्चर मिस हो गया तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? बात तो सही है, कुछ नहीं फर्क पड़ता क्योंकि अभी आगे खाली पढ़ना है ना। जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आप सोचोगे कि अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि आप अब्सेंट हो तो मतलब वो पार्ट एग्जाम में नहीं आने वाला है ना, या वैसा आपके पास ऑप्शन है कि जिस जो सम आएगा ना मैं लिख दूंगा। एक्चुअली आई वाज एब्सेंट इन दैट लेक्चर व्हेन सर वाज नॉट इन द लेक्चर, सो प्लीज गिव मी द मार्क्स। ये भी ऑप्शन नहीं होता है आपके पास है ना, तो आपको डेली आना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? लेक्चर डेली आना पड़ेगा तभी जाकर के आप अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ठीक है ना। अब कुछ नए स्टूडेंट आए उनके लिए थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बता देता हूँ भाई। नए स्टूडेंट लोग प्लीज देखो, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ नंबर, एक रियल नंबर और दूसरा नॉट रियल है ना। आपने ऐसे ही पढ़ा है, 10 स्टैंडर्ड पर कितने भी नंबर पढ़ा उसको क्या बोलते थे? रियल। और जो रूट के अंदर निगेटिव आता था, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू निगेटिव आता था तो लिख देते थे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या रूट्स आर नॉट रियल। तो आपको दो ही नंबर पता है, रियल एंड नॉट रियल। एक्चुअल में नॉट रियल का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इमेजिनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, है ना। आई की वैल्यू क्या होता है? तो आई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। सुनो ध्यान से, रियल नंबर आज तक आपने जितने नंबर पढ़ा है वो सब रियल है, बस आपने एक ही नंबर पढ़ा है 10 साल। बहुत सारे सोचते होंगे अरे ऐसा कैसे एक ही पढ़ा है,
ऑड बड़ा है, इवन बड़ा है, नेचुरल बड़ा है, फुल नंबर बड़ा है ना, रैशनल इरेशनल, भाई ये सब ऑल आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर। ये सब किसके पार्ट है? रियल नंबर। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक ही नंबर पढ़ा है। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच इज पॉजिटिव कॉल्ड एज रियल नंबर। मतलब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो -1, -2, -3, -4, -5 एक्सेट्रा, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, इसमें से किसी को भी आप स्क्वायर करो देखो पॉजिटिव ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच इज नेगेटिव। सुनने को बड़ा ऑड लगता है स्क्वायर करने पे नेगेटिव, ऐसा कोई नंबर थोड़ी आता है। अरे जब वो नंबर तू पढ़ाए तो तेरे को तो ऑड ही लगेगा ना, यस और नो? बट ऐसा होता है, स्क्वायर करने पे नेगेटिव भी नंबर आते है। कौन से वो नंबर है? जो रूट में नेगेटिव होता है, √-1, √-2, √-3, √-5। देखो किसी को भी स्क्वायर कर लो माइनस ही आएगा। √-1 का स्क्वायर किया तो, √-2 का स्क्वायर किया तो, सब इमेजिनरी करेक्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इमेजिनरी है तो इसके साथ आई क्यों नहीं है? आई है, लेकिन तब दिखेगा ना जब मेरी आंखों से देखो। अब आप बोलोगे सर क्या पिक्चर वाला डायलॉग मारते हो, बट ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि -2 है, राइट है ना, √-2, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × −1, तो देखो √2, √-1, और √-1 का वैल्यू क्या है? ये आ गया √2i। ये कैसे लिखा मैंने? तो हमने पढ़ा है √ab = क्या होता है? √a √b, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इमेजिनरी नंबर याद रखना वही होगा जिसके साथ आई होगा। इसके साथ क्या होगा? आई। जिसके साथ क्या होगा? आई। जिसके साथ क्या होगा? आई। जिसके साथ आई होगा वो इमेजिनरी नंबर, और जिसके साथ आई नहीं होगा वो नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो जो आज मैंने आया तो उनको लिखने को नहीं दूंगा, क्योंकि लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है? दूसरे का किसी का बुक लेकर के कॉपी करना है। मैं इसलिए सब पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि मैं आगे का पढ़ाऊं तो आपको नया ना लगे। इज दैट क्लियर? यस। न्यू स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको क्या करना है? आज किसी ना किसी का बुक लेके जाना है, लेके नहीं जाना है, कोई बुक देना भी मत। तो करना क्या है? फोटो खींच के लेके जाना है। मोबाइल तो है ना आपके पास? अरे है कि नहीं? कितने लोग आए फर्स्ट लेक्चर को आज? हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है? किसी ना किसी के बुक का फोटो खींच के लेके जाना है ना, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में आओ तो सारी चीजें लिख के आओ, और लिखने के बाद अगर कुछ डाउट है उसमें समझ गया तो ठीक, बेसिक तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको, नहीं समझा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर के बाद मुझसे बैठ के एक्सप्लेन करके ले लो। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो देख लो ये हो गया रियल एंड इमेजिनरी। अब हम लोग ने इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करना भी सीखा था। इमेजिनरी नंबर को क्या करना सीखा था? इमेजिनरी नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो जैसे मान लो i^10 है, कैसे सॉल्व करेंगे? 2 × 5 i²^5 −1^5 कितना आ गया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने 10 को 2 × 5 क्यों लिखा, है ना? तो मैंने 5 इसलिए लिखा 2 × 5 क्योंकि अपने को वैल्यू किसका पता है? आई स्क्वायर का। तो आई रेस टू जब भी वैल्यू निकालना रहेगा अपने को किस फॉर्म में चाहिए? आई स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, आई स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने 2 × 5 लिखा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया? तो हम लोगों ने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला, सॉरी 8th स्टैंडर्ड में, दैट इज कॉल्ड एज इंडाइसेस। क्या बोलते थे? a^mn = a^m/n। आप लोग ने इंग्लिश मीडियम से कि हिंदी मीडियम से? ओके आप ओके। तो हम लोग ने इंडाइसेस पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंडाइसेस। तो इंडाइसेस में हम लोग ने ऐसा रूल पढ़ा था, राइट ना? तो 2 रह गया अंदर, 5 हो गया बाहर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है? -1 रखा। अब देखो -1 रेस टू 5 कितना आता है? -1। ऐसा क्यों?
बिकॉज हमने पढ़ा है माइनस वन रेस टू ऑड कितना होता है, माइनस वन रेस टू इवन कितना होता है, करेक्ट ना। जैसे मान लो आई रेस टू 20 20, तो 2 × 1010, आई स्क्वायर रेस टू 1010, माइनस वन रेस टू 1010, बराबर ना। ये इवन है कि ऑड, इवन, तो क्या आएगा आंसर, करेक्ट है। तो ऐसा हम लोग आई रेस टू कोई भी नंबर देगा तो उसको सॉल्व कर सकते। इज दैट क्लियर, किसी को डाउट, पक्का, श्योर, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था बेसिक। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हो वो भी तो बता दो। देखो भाई, अब आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी आर, ए प्लस, इसमें से ये वाला टर्म क्या है, रियल, और ये i जिसके साथ आता है उसको क्या बोलते हैं, तो रियल और इमेजिनरी दोनों मिलके क्या बनता है, अरे क्या बनता है, Complex. क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट ना। क्यों, क्योंकि रियल क्या है, नंबर, इमेजिनरी क्या है, नंबर। जब दो या दो से ज्यादा नंबर एक ही में मिक्स हो जाएगा तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इज दैट क्लियर, पक्का, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं सम्स में। अब बताओ मैंने कहां तक पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, बोलो कहां तक पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया था ना अपना, इसको डाउट है फिर से बताओ एक बार, देख लो भाई सिक्स वाला सेम तो है, अभी जैसे करके दिया ना सेम वही सम है, उल्टा ये ज्यादा इजी है, खाली मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर। देखो ए, मैंने एक बार वन से मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार आई से, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी, आई ए प्लस आई स्क्वायर बी,
ए प्लस आई बी एज आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन आई स्क्वायर ए प्लस आई बी राइट। इन दोनों में से क्या कॉमन दिखता है? राइट तो ये आ गया ऑन कंपेयरिंग ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया टू और ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया वन। दोनों को सॉल्व कर दो ये कट हो गया टू ए इक्वल टू थ्री तो ए कितना आया सब्स्टिट्यूट बी बाय टू माइनस बी इक्वल टू टू तो बी कितना आया थ्री बाय टू माइनस टू तो बी कितना आया माइनस वन बाय टू करेक्ट है। चलो लिख ले भाई जल्दी से जल्दी जल्दी लिख लेना सही राइट है ना? हाँ क्यों मैं सब कुछ ए लिख लिया ए डाउट वाला लिख लिया हाँ ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वहां पे जाते हैं जहां से हम लोगों ने किया है राइट ना। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दे लो अच्छे से तो क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया था आपका राइट ना। मैंने देखो सुनो ध्यान से
मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 13 तक ऑलरेडी करा दिया, नहीं सॉरी 16 तक, 5 से लेके 16 तक ऑलरेडी अपना हो चुका है, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, इज दैट क्लियर? यस सर, करेक्ट है। आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 4, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक, सॉरी 17 तक अपना कंप्लीट हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना? Yes, अरे बोलो यस और नो। हाँ सर। तो देखो अब जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान दें, देखो भाई मैं नए स्टूडेंट को बोला नहीं है सब लिखने के लिए, लिखा नहीं ना कुछ भी अभी तक मैंने बोला नहीं है, अब से जो पढ़ाऊंगा वो आपको लिखना है, इज दैट क्लियर? क्योंकि ये वो था जो बच्चों को डाउट है, जो भी मैं होमवर्क देता हूँ, राइट है, आपको जितना समाया उतना करने का, जहां तक आया वहां तक करने का, और जो जो नहीं आया जहां तक आया उसके आगे आकर के यहाँ पे पूछने का, राइट ना। हम लोग देखो एडमिशन इसलिए ले रहे ताकि हमारा डाउट अच्छे से सॉल्व हो, रिजॉल्व हो, राइट ना, हमें सीखना है यहाँ से, इसलिए आपको जो भी कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो लेक्चर में, करेक्ट है? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसमें क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट एवर द सम्स आर गिवन सबको अपने को a प्लस bi के फॉर्म में रिड्यूस करना है, किसमें रिड्यूस करना है, इसमें रिड्यूस करना है, इसमें रिड्यूस करना है, इसमें रिड्यूस करना है, किसी को अच्छा लगता है और किसी को डर लगता है, ये नहीं देखूंगा रात को सपने में भूत आएगा, है कि नहीं? और कितने लोग ऐसे है ना आंख फाड़ के देखते रहते हैं कब आएगा भूत, अब भी आएगा जैसे, है कि नहीं? तो हॉरर मूवी किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, इसलिए आपको लिखना मत कुछ भी फिर, हाँ बच्चा डोंट राइट ना एनीथिंग, जस्ट सी, है कि नहीं? कभी कभी हॉरर मूवी देखना रहता है अच्छा लगता है कि नहीं, डरने का नहीं, आपको बंद कर दो फिर, और आप ना इधर बैठो अलग से ना, लास्ट बेंच पर, हाँ बाकी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं, आप दोनों, आपको है ना मैथ्स, आपको न्यू स्टूडेंट आपको है, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 अपने को सबसे पहले किस पे रिड्यूस करना है, इसको a प्लस bi, जितने भी सम्स है सबको a प्लस bi के फॉर्म में रिड्यूस करना है, a प्लस bi मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिड्यूस करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, z is equal to a plus, होता है कि नहीं होता है, इसी फॉर्म में रिड्यूस करना है, और ये भी पूछा है ऑल्सो स्टेट द वैल्यू ऑफ a and b का वैल्यू बताओ मुझे, i का नहीं, a एंड बी, इज दैट क्लियर? चलो तो सब लोग यहाँ पे एकदम अच्छे से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है उसमें, रिड्यूस, पहले क्वेश्चन लिख दो क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो टेक्स्ट बुक ही नहीं है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी एंड ऑल्सो state the value of a and b, a and चलो सबसे पहला सम में लिखता हूं नाइन्थ वाला, z is equal to minus of root 5 to root 1 minus प्लस टू प्लस टू माइनस, देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है और बोला है ना कि इसको आपको किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस
प्लस बी आई के फॉर्म। ए बच्चा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दे, एक तो गांव जाके आइए फिर ये भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? सब लोग ध्यान से सुनो, ए प्लस बी आई का दूसरा मीनिंग है, ए का मतलब होता है रियल और बी आई का मतलब है इमेजिनरी। इसका मतलब मुझे इसको रिड्यूस करना है, रियल एंड इमेजिनरी, रियल टर्म अलग, इमेजिनरी टर्म आई वाला टर्म अलग और विदाउट आई वाला टर्म अलग, ऐसा करना। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करने का बारी आता है। मैंने आपको जस्ट सिखाया था पहले, आज भी मैंने थोड़ा सा सिखाया लेकिन उसका ना शॉर्टकट नहीं बताया, तो एक बार फिर से सिखा दे। देखो ये क्या लिखा है ना, याद है मैंने पहले सिखाया था कैसे सॉल्व करने का इसको, किसी को याद है? हाँ कैसे? हाँ कोई और जिसको पता हो, भूल गया भाई, इतना जल्दी जल्दी भूलेगा तो काम नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से, एक बार फिर से बताता हूँ, पहले मैं अभी भी जैसा बताया वैसा बताता हूँ, फिर सॉफ्टवेयर नहीं बताता। देखो मैंने क्या बताया कैसे इसको सॉल्व करने का, फोर इंटू ये हो जाएगा फोर, ये आ जाएगा माइनस वन, रूट ऑफ माइनस वन का वैल्यू क्या होता है, है ना? आप सुनो, मैंने शॉर्टकट क्या बताया था कि अगर रूट के अंदर माइनस आता है, रूट के अंदर क्या आता है, रूट के अंदर, रूट के अंदर माइनस, तो ये माइनस को बैक कर ले और आगे आई की एंट्री, आगे आई की एंट्री, जैसे वो होता है ना पिक्चरों में चोर भाग जाता है फिर पुलिस की एंट्री होती है, तो यूं समझ लो कि आई क्या, माइनस क्या है, चोर है, और आई क्या है, पॉलिस है कि नहीं? तो देखो माइनस गायब, आई की एंट्री, तो बताओ आप मुझे जैसे रूट ऑफ माइनस नाइन है, अरे समझा क्या, ये ट्रिक मैंने बताया था, ये किसी ने भी नहीं बोला, इतना इजी ट्रिक सिखा, चुप रहे नालायक, आई स्क्वायर बोल रहा है तू, हाँ मालूम नहीं, झूठ बोला ना आखिर में, गलत हुआ ना, गलत गलत होता है कि नहीं? देखो भाई कितना छोटा सा ट्रिक मैंने, कितना प्यारा सा ट्रिक है कि रूट के अंदर का माइनस गायब, आगे आई लिख दे रहेगा, आप बताओ इससे इजी ट्रिक हो सकता है क्या? वो भी याद नहीं रहता तुमको, क्या पढ़ाई करता है कहते लोग। देखो ये कितना आएगा, माइनस ऑफ रूट फाइव प्लस टू, इसकी वैल्यू कितना, रूट फोर आई, ये आ गया वन, इसकी वैल्यू कितना, नाइन आई, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ये आ गया, 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 बराबर ये आ गया, ये फोर आए, ये थ्री आए, ये नाइन, ये माइनस वन, करेक्ट है ना? अब सुनो ध्यान से, इसके साथ आए है नहीं है, इसको पहले लिख देते हैं, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस नाइन, और ये कितना है, फोर, प्लस फोर प्लस नाइन, बराबर। इसके साथ भी आए है क्या, इसके साथ भी आए, किसके किसके साथ आए है, ये दोनों के साथ है, तो मैं इसको फोर होगा आई माइनस, तो मैंने क्या किया, विदाउट आई वाले टर्म एक साथ में, आई वाले टर्म एक साथ में, किसी को डाउट है इसमें, किसी को भी डाउट है, पक्का ना, श्योर, ओके। देखो ये कितना हो जाएगा, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस फोर, ब्रैकेट में आ गया, फोर आई माइनस थ्री आई कितना आ गया, लिख दूंगा क्या, विच इज इन द फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस, वेयर ए इक्वल टू कितना, माइनस रूट फाइव प्लस फोर्टीन, बी कितना, ये देखो पता देता हूं, बी आई इक्वल टू आई ना, बी आई इक्वल टू आई आई, तो बी कितना आएगा, तो आप एक कैंसिल वेंसिल करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो, आई के, देखो आई के आगे क्या है, बी, इस आई के आगे क्या है,
कुछ नहीं है मतलब वन है ना, तो b इक्वल टू कितना आ गया, आ जाता है b इक्वल टू कितना आ गया, करेक्ट है। तो देखो a का वैल्यू आ गया ये और b का, किसी को डाउट है कहीं पे भी, पक्का सबको समझा, जल्दी से लिख लो बेटा, सब लोग लिखेंगे अभी यार, सब लोग एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ए हो गया, लिख लिया क्या, कितने लोगों ने लिखा, लिखा है सब लोग, हो गया लिख के
बच्चे लोग प्लीज लिखने का काम थोड़ा फास्ट रखने का। देखो सेकंड वाला सम क्या लिखा है, क्या लिखा है, वन प्लस आई ब्रैकेट में वन माइनस आई होल रेस टू माइनस वन, राइट ना। ए देखो तो क्या करना चाहिए अपने को, बच्चा लोग प्लीज क्या आएगा इसको क्या करेंगे, किसी को डाउट है इसमें? देखो रेस टू में माइनस वन रहेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। जब भी पावर नेगेटिव होता है ना, तो अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लेके जाओ, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है इसका, रेस टू का। देखो ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा वन प्लस आई वन माइनस आई, है ना। अब z इज इक्वल टू ए प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना है, मतलब है डिनोमिनेटर को गायब करना है, उसको रफ कर दो चलेगा? अरे गायब ऐसे नहीं करना है। फिर क्या करना है, अब आई को तो गायब करना है, बट आई गायब कब होगा, जब आई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और आई स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेस्टलाइज, क्या करना पड़ता है, किया है ना, yes. किया है कि नहीं किया है, yes, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वन प्लस आई, तो देखो कितना हो जाएगा, वन प्लस आई अपॉन वन प्लस आई, तो वन प्लस आई इंटू वन प्लस आई, वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखो वन प्लस आई का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपसे को, राइट है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस अपॉन वन प्लस वन, कितना आ गया बेटा, वन प्लस टू वाई माइनस वन अपॉन टू, वन एंड माइनस वन गेट टू वाई अपॉन टू, टू टू गेट कितना आ गया, बट अपने को किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, ए प्लस, यहाँ पे तो खाली आई है, ए तो गायब है भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है कि नहीं। देखो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलता तो क्या मिलता है, अरे मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ तो सबको मिलता है कि नहीं। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए नहीं आया ना, जीरो लिख देंगे, जीरो प्लस आर which is in the form of z is equal to a plus where a equal to b equal to, अरे बोलो yes or no, चलो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, सबको समझ में आ रहा है, अरे जो नए स्टूडेंट है उनको भी आ रहा है, कुछ डाउट है तो पूछना, बोलो ना कौन सा, ये इसके बाद ये देख, ये वन प्लस आई है, ये वन प्लस आई है, अगर ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, सेम सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, तो वही लिखा, और कुछ फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी कहीं पे किसी को डाउट, आस्क मी फास्ट, अरे बाबा तू भी लिख रहा है क्या, हाँ मत लिख, बुक बुक बंद कर दे, चुपचाप खाली देख हॉरर मूवी, आज देखने को मौका मिला है। डायरेक्टेड बाय राम सर। Thank you.
क्या दिखा रहा है भरता हूँ भर चुका हो गया क्या? ये छापने की आदत तुम लोग देखो, तुम्हारे साथ में जो भी आगे पीछे एग्जाम में आएगा ना, उसको बुक मत कॉपी मत दिखाना, छापने आते हैं ये लोग, कैसे छापेंगे फिर? तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, सब सीधो पे तुमको छापना है यार। वही तो छापने नहीं आते लोग को, सब ऐसे बोलते मुझे पीछे Thank you.
नहीं आया तो मैं सॉल्व करके दूंगा, डोंट वरी। ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो आगे करना है, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना है, ठीक है? यस सर। चलो ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं, डोंट वरी एट ऑल। हो गया क्या? कितने लोगों को आ गया? एक मुझे आ गया, आई एम द किंग। ए देखो यहाँ पे, चलो ए देखो, प्लीज एस आई इक्वल टू रूट ऑफ आई स्क्वायर कितना? ए देखो यहाँ पे प्लीज, हाँ वन का स्क्वायर वन, 2y minus 1, 2y minus 1, minus 1 plus 1 get? कितने लोगों यहाँ पे राइट है? मैंने बोला था। वाव। ग्रेट। ये देखो, अब क्या बचा? 2y upon minus 2y, 2y 2y get? तो z is equal to कितना आ गया? माइनस वन कितना आ गया? लेकिन अब तुमको माइनस वन नहीं चाहिए, अपने को ए प्लस बी आई के फॉर्म में चाहिए। अपने पास खाली ए है, खाली ए है ना, तो आई वाला टर्म कैसे लिखना पड़ेगा? जिसका कोई नहीं होता उसका क्या लिखूंगा? विच इज इन द form of z is equal to a plus, where a equal to kitna aur b equal to kitna
that clear? Yes, sir. Write on fast. देखो वन प्लस आई होल रेज टू आता है क्या? हाँ माइनस थ्री है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस कर देते हैं। हाँ अरे वाह सही है। देखो भाई इसको आ गया मतलब सबको आ गया मजाक करो। देखो मैंने क्या बोला था, जब भी पावर में निगेटिव रहेगा तो क्या करने का उसको बेटा डिनोमिनेटर में लेके जाने का, है ना? क्योंकि अपने को ना प्लस का फॉर्मूला पता है, माइनस का फॉर्मूला अगर माइनस में ऐसा देता तो मैं इसको ऊपर लेके जाता, वो तो कहीं पे भी रहे प्लस में रहे, क्योंकि प्लस में नहीं रहेगा तो हम सॉल्व नहीं कर, माइनस का फॉर्मूला ही नहीं पता ना। यस और नो? यस। अब बताओ ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला कितने लोग को आता है? वाह क्या बात है। अच्छा आप दोनों बात है, आप बताओ ए क्यू पक्का ना? ए अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, वन का क्यूब थ्री वन स्क्वायर बी थ्री वन बी स्क्वायर थ्री आ गया बी राइट है। अब देखो कितना रूट ऑफ आई स्क्वायर कितना आई क्यूब कैसे निकालने का, आई स्क्वायर इंटू आई I square की वैल्यू कितना माइनस वन कितना आएगा माइनस आर, ये I cube का वैल्यू और ये I square का तो वन अपॉन देखो ये वन आएगा ये थ्री I आएगा ये थ्री इंटू माइनस वन और ये माइनस। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? पक्का समझ में आया तो ना 100% आगे बढ़ते हैं। तो देखो वन अपॉन ये वन आएगा ये थ्री आई आएगा माइनस थ्री माइनस आई करेक्ट है। नाउ लुक एट ये कितना है वन ये कितना है माइनस थ्री तो कितना आएगा बेटा ये थ्री है और ये माइनस वन है तो कितना आएगा बाबू करेक्ट है वेरी गुड ये आ गया मेरा राइट ना। अब सुनो ध्यान से आगे क्या करना है। लेट जेड इज इक्वल टू कितना है मुझे क्या करना पड़ेगा नहीं बोलेगा बोलो ही मत। अच्छा
अरे आई को गायब करना है ना। अब आई को गायब करने के लिए आई को रफ तो नहीं कर सकता, क्या लाना पड़ता है? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कब आता है? जब हम उसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? भूलो मत ये स्टेटमेंट, जब भी डिनोमिनेटर का आई गायब करना है, कहाँ का आई गायब करना है? कहाँ का? ए मारवाड़ी खड़ा हो, क्या देख रहा है नीचे? नीचे क्या देख रहा है? बहुत मारूंगा तेरे को, ये सब काम घर पे करने का। हाँ इधर पिछले कोने में बैठता है ना, नेक्स्ट टाइम जो तू उधर बैठा तो बहुत मारूंगा तेरे। हाँ मैंने क्या बोला, जब भी डिनोमिनेटर का आई गायब करना है, जब भी कहीं पे भी दिखा आपने को, राइट ना, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा? राइट ना। और रेशनलाइज करने के लिए हम लोग को अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो माइनस टू प्लस टू आई, तो किससे करेंगे? माइनस टू आई से मल्टीप्लाई। तो देखो ये वन इंटू माइनस टू आई आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो माइनस टू आई, ये कितना आएगा बाबू? फोर, फोर आई स्क्वायर माइनस टू आई, फोर, राइट। तो माइनस टू आई, फोर प्लस फोर कितना आ गया बाबू? अरे अब क्या करना है? अब क्या करना है? स्प्लिट क्या करना है? कितना आएगा है ना? अब नीचे देखो मेरे पास जगह नहीं है लिखने के लिए, क्या लिखने का? विच इज इन द, किस फॉर्म में है, है ना, वेयर ए इक्वल टू बी इक्वल टू, राइट ना? आई नहीं, आई नहीं, चलो लिख लो बेटा। क्या बोल रहे? अरे प्रिंटिंग मिस्टेक, अरे वो तो मैं दिखाया था ना कि माइनस अगर नीचे आया तो ऊपर जाएगा। Thank you.
हो गया क्या सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है, अब हम लोग एक सम करेंगे 11th वाले। पूछ तो रहा हूँ कि हुआ तो क्या? यस सर नो सर तो चलता रहता है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा लगा तो घर पे जाके दो बार एक बार है ना ऐसा लग रहा हॉरर मूवी मूवी नहीं समझ रहा उसका डर खत्म तो टाइगर स्टोरी है कि नहीं जो लोग बेचारे हॉरर मूवी का शूटिंग करते रहेंगे उनको तो कंटाला आता रहेगा ना क्या वाला मेकअप है लेकिन आप लोग बिना मैथ्स वाले स्टूडेंट आज गलती से कैसे आ गए मैसेज तो आप लोग जाते ही होगा इसके वजह से नहीं अच्छा कर दिया नहीं नहीं अच्छा किया वो डेली भी चले हर मूवी अकेले देखते बैठ के यार फ्रेंड को भी डाउट ये देखो क्या लिखा है एज आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन आई स्क्वायर कितना देखो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है आई रेज टू एट तो क्या करेंगे टू इंटू फोर देखो सब लोग कितना आएगा माइनस वन रेस टू फोर कितना आएगा बोलो अब मुझे निकालना है आई रेस टू नाइन आई रेस टू नाइन को लिख सकता हूँ एट इंटू वन बोलो यस सर इसकी वैल्यू है वन इंटू आई कितना आएगा आंसर आई अब आ गया टेन टेन को क्या लिख देंगे टू इंटू फाइव
माइनस वन रेस टू फाइव कितना आएगा? अब आ गया इलेवन, टेन इंटू आई कितना आ गया आंसर? अब ये सारी वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग बाबू? ऐड करेंगे। क्या करेंगे बोलो? सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए इसका वैल्यू कितना? वन। ए देखो इसका वैल्यू कितना? माइनस आर। नाउ ब्रैकेट ओपन। देखो फोर प्लस थ्री सेवन, फोर माइनस टू टू, राइट ना? देखो हम लोग ने सबसे पहला स्टेप क्या किया, जब भी आई अपने को पावर में दिखता है तो पहले उसको सॉल्व कर लेने का, क्या कर लेने का? और उसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब मुझे ये वाला आई नहीं चाहिए, नीचे वाला आई नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे? अरे किससे? अबे टू माइनस थ्री आई है, टू प्लस थ्री आई, तो देखो कितना हो जाएगा, सेवन माइनस थ्री आई इंटू टू प्लस थ्री आई, बराबर ना? तो z इज इक्वल टू कितना हो गया? सेवन माइनस थ्री आई इंटू, राइट है? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सेवन टू प्लस थ्री आर, राइट? तो सेवन टू जा फोर्टी, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सिक्स आर, ये कितना हो जाएगा बेटा? एक बड़ी बड़ी गया, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, a माइनस b a प्लस b क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9 i, ये i स्क्वायर की वैल्यू कितना? माइनस 1, ये आएगा 14, 21 में से 6 गया 15, ये 4 माइनस 9 माइनस 1, इसके आगे कर लोगे क्या? पक्का ना? देखो क्या करना, अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 14 प्लस 9 आ गया 23, तो 23 प्लस 15 आए अपॉन 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना होता है? 13, उसके बाद क्या करना? डिनोमिनेटर में 13 आ गया, ऊपर आ गया 23 प्लस 59, उसके बाद क्या करना? स्प्लिट, क्या करना है? और फिर ये और बी की वैल्यू लिख ले, इज दैट क्लियर? गो फास्ट। अरे स्प्लिट का मतलब होता है बंटवारा, समझा? स्प्लिट का मतलब एक बच्चा जल्दी जल्दी, अच्छा ज्यादा कूल हो गया क्या? बोलेगा तो बहुत मारेगा, ये अरे तू कुछ बोलेगा ही नहीं, बोल रहा पता है मुझे, हाँ इसे पूरा फुल भरोसा है। Thank you.
ए बातें नहीं हो गया क्या? ए
क्वेश्चन नंबर सिक्स वाला भी बहुत इजी है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना और आपको आ जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन बचता है तीन, एक थर्ड वाला, एक फोर्थ वाला और एक एट्थ वाला, और तीनों इसको करना है डायरेक्ट रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। ए बातें देखो, आई से अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर क्या हो जाएगा ये ए, कचरा गिरी नहीं करने का इधर। हाँ वो इधर कचरा गिरी कर रहे लोग, बातें कर रहे जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तो। हाँ दिस इज कॉल्ड कचरा गिरी, यहाँ पे करने का नहीं। ये देखो I is equal to root of minus one, तो I square become minus one। देखो मैंने minus को रख दिया है, तो 4i minus 3, 1 minus i, क्या करना अपने को अभी, rationalize, right ना? उसके बाद आगे आपको सॉल्व करना, करोगे ट्राई? ये सब करो, ट्राई करो देखो, ए बातें नहीं करने का, nobody will talk। Thank you.
हो गया। कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया? 1 2 3 ग्रेट यार, तेरा भी हो गया। आधा से हाथ नहीं उठाने, आंसर नहीं मिला तब तक हाथ नहीं उठाने। ठीक है, नहीं आया तो देखो यहाँ पे। Right, which is in the form of z is equal to a plus, where a equal to b equal to, कितनों का राइट आया है? 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेट। बाकी लोग जल्दी जल्दी ए, हो गया, लिखिए क्या। ठीक है, तो मैं आपको कितना सब होमवर्क दे रहा हूं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, मार्क कर लो होमवर्क, 1, 4, 6, 8, 10 7 हो गया ना, फर्स्ट ए हो गया, 7 कौन सी दुनिया में रहता है, फर्स्ट, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 1, 4, 6, 8, 10 कितना सब हो गया, 5वां विचार, 5, 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
और पांच सम आपको क्या दिया होमवर्क, आपको घर से करके आना। अब देखो तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक हो गया कंप्लीटेड, राइट ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, नहीं 17 हो चुका है, देखो देखो हो गया है, लास्ट लेक्चर हो गया। अरे मुझे पता है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी मैंने प्रूफ किया था, बी स्क्वायर इक्वल आपको प्रूफ करने को दिया, फिर आपको नहीं आया तो मैंने वापस से सॉल्व कर दिया, कुछ लोगों ने कर दिया था कुछ लोगों ने नहीं आया। देखो भाई तुम लोग पढ़ते हो ना तुमको याद नहीं रहता है,
मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैंने लास्ट को लास्ट लेक्चर क्या पढ़ाया था, कौन से सब्जेक्ट थे, उतना तक मुझे याद है। हाँ, उसके बाद इंजीनियरिंग का चारों मैथ्स पढ़ाता हूँ, बीएससी आईटी के चारों मैथ्स पढ़ाता हूँ, बीएससी सीएस के चारों मैथ्स पढ़ाता हूँ। मतलब इसको कुछ भी हो जाए अपनी लाल कर दी है। मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक सीरियस। क्लास में क्या थोड़ा सा मजाक है ना, मस्ती मजे तो पढ़ाई होता ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्या बोल रहे खेलते, कोई किसी से कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप साइलेंटली क्रिकेट खेलो, कोई आउट हो गया तो ठीक है भाई जान है ना, होता है कि नहीं हंगामा। वैसा ही पढ़ाई करते वक्त भी बड़ा मजाक मस्ती होना चाहिए, लेकिन जब टीचर सिखाते रहता है तो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेट होके सीखना रहता है ना, उसके बाद तो क्या है मस्ती मस्ती। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी, राइट, ये दिया है और अपने को प्रूफ करना है x by a plus y by b equal to 4 times a square minus b square। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, दोनों साइड में a plus bi के फॉर्म में लेके आना है, दोनों साइड में क्या लेके आना है, a plus bi, किस फॉर्म में, a plus bi। जोर से बोलो यार, a plus bi। ऐसे एक बार इनको पढ़ा रहा था ना, मैंने बोला था जोर से बोलो यार, तो बोल के जय माता दी। ऐसे बच्चे लोग हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ये जोर से बोलने के लिए बोलते हैं जय माता दी। ये देखो a plus b का होल क्यूब तो कितना आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b i प्लस b क्यूब i क्यूब, राइट, as i equal to root of minus 1 i square, i cube का वैल्यू क्या होता है, कितना आ गया आंसर, वैल्यू क्या करेंगे, put, अरे लिखा ना कुछ बोलने को नहीं होता है, सर पर लिख लिया पूरा फिर रॉन्ग कराएंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन और इसका माइनस आई। अब देखो जो भी पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोग जितने भी विदाउट आई वाले टर्म है उसको एक साथ आए और जो आई वाले टर्म है उसको एक साथ, तो देखो ये और ये एक साथ में आ गया और ये आई वाला टर्म, राइट, अब ये तो एज इट इज रहेगा, बट इसमें से क्या करेंगे हम लोग, आई को बाहर, ये हम लोग आई को बाहर नहीं कर रहे, आई को बाहर कर रहे, ये आ गया एक्स प्लस आई, इसको हम लोग लिख देते हैं एक्स प्लस वाई आई, ठीक है, ये है रियल जिसके साथ आई नहीं है और ये वो टर्म है जिसके साथ आई है, तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, व्हाट वी गेट, एक्स इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, राइट है? सुनो ध्यान से, यहाँ पे किसी को डाउट है कोई स्टेप में? सबको अच्छे से समझा? समझता सबको अच्छे से, बस सॉल्व करने को देता हूँ ना, वो ही समझ नहीं आता है ना। देखो अब क्या करना, आप लोगों प्रूफ को देखना है। प्रूफ को देखा तो पता चला कि x by a plus y by b है ना, मतलब x के नीचे क्या है a, तो x के नीचे a ला देते, तो फिर इसके नीचे भी ये लाना पड़ेगा, इसके नीचे भी ये लाना पड़ेगा, x by a आ गया a square minus 3b square, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर। अब y के नीचे क्या है b, तो मुझे b तो सबके नीचे लिखना पड़ेगा, चलो लिख दिया, आप भी तैयार हो। और ये गेट y by b equal to 3a square minus b square, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर टू। अब मुझे क्या करना है, एड इक्वेशन वन एंड टू, तो x by a plus y by b equal to a square minus 3b square, 3a square minus b square, ये आ गया 4a square minus 4b square, 4 आ गया common, तो x by a plus y by b equal to 4 times, hence समझे सबको? चलो फटाफट देखो, ये सारे सम याद रखना, 18 से लेके 23 तक सेम है ऐसे सम, मैं बताता हूँ एक 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 सम, आप पहले लिखो। ए क्या कर रहा है कैमरा मैन, प्लीज कोई भी बात नहीं करेगा, दो मिनट छोड़ दिया।
ऐसे दो से दो मिनट पहले छोड़ देना चाहिए ऐसे जल्दी छोड़ दिया था नहीं नहीं ऐसे वैसे ना छोड़ हो गया सम नंबर देखो सम नंबर 23 देखो 23 ये देखो राइट साइड पे भी ना वाई प्लस बी ली है हम राइट साइड को थोड़ा चेंज करते हैं y की जगह पे a लिखते हैं b की जगह पे b लिखते हैं ठीक है तो आएगा a अपॉन x b अपॉन y इक्वल टू 4 टाइम x स्क्वायर माइनस a पीपीटी का मतलब होता है टू प्रूव दैट देखो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों एग्जैक्टली सेम है क्या डिफरेंस है इसमें जहां पे एक्स वाई है वहां पे ए बी है और जहां पे ए बी है इसमें वहां पे राइट ना बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं है इसलिए देखो आंसर भी कैसा है इसमें प्रूफ क्या था एक्स बाई है वहां पे क्या है ए बाई एक्स यहाँ पे प्रूफ क्या था वाई बाई बी वहां पे क्या है यहाँ पे राइट साइड में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर था वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अरे समझा क्या तो दोनों में चेंजेस क्या हो गया खाली जहां पे एक्स है वहां पे ए जहां पे वाई है वहां पे करना सम को सेम यहाँ पे मैंने किसको ओपन किया था इसको ओपन किया था है ना आपको एक्स और वाई के फॉर्म में ओपन करना इज दैट क्लियर बाकी प्रॉब्लम में कोई चेंजेस आप चाहिए तो प्रॉब्लम को थोड़ा और सीधा करने के लिए ना इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो देख क्या हो जाएगा देखो ए मैं इसको लिखूंगा a प्लस बी आर एक्स प्लस आई वाई द होल क्यूब दिख रहा सेम ना इज दैट क्लियर सेम करना है के लिए इसको लिख लिया सब लोगों ने टाइम कितना बचा हो सकता है
टाइम हो गया ए इडली कर सकते थे ठीक है ए होमवर्क करके आना हाँ भाई ए एक मिनट रुको ए अम्मा अम्मा हाँ इसके बाद ये ए इन साइंस हाँ देखो सबसे पहले मैंने क्या किया ये देखो ये ऐसे सेम लिखा है ये सेम लिखा है ये सेम लिखा है आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखा है आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई ठीक है ये सेम लिखा है ये सेम लिखा है ये माइनस इसको मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया ये माइनस वन है ना तो प्लस को मल्टीप्लाई होके क्या आएगा ये माइनस है ना प्लस को मल्टीप्लाई होके क्या आएगा ठीक है अब ये और ये टर्म एक साथ में क्यों क्योंकि इसके साथ आए ये और ये एक साथ में क्यों क्योंकि इसके साथ आए है बराबर अब दोनों में से आए क्या हो गया बाहर तो ये दोनों अंदर बच गया ये एज इट इज अब देखो विदाउट आई वाले का विदाउट आई के साथ आई वाले के साथ कंपेयर अब हो जाए ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको आ गया है 23 आपको करके आना है इज दैट क्लियर टोटल मैंने आज आपको 6 सम होमवर्क दिया है सब लोगों को ईमानदारी से ट्राई करके आना है बैठो दो घंटे के लेक्चर में हालत खराब हो गया अभी तो आने वाले टाइम में संडे के दिन 10 घंटा आपका लेक्चर लगेगा हाँ बेटा 6 घंटा लेक्चर रहेगा और 4 घंटा एग्जाम रहेगा तो टोटल हो गए 10 घंटा कल का लेक्चर पता है आप लोग को नहीं।